स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, योग गुरु बाबा रामदेव ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारत एक बड़ा मुल्क है और उसको पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी संवाददाता सुनीता गौर से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जिस तरीके से जो पठानकोट में हमला हुआ है, एक देश के लिए बहुत ही बड़ी धक्के की बात है। इसके बाद आपका क्या विचार है, किस तरीके के कदम जो है मोदी सरकार को उठाना चाहिए और किसमें वो असफल रहे अब तक? मैंने कहा भारत को प्रोटेक्शन के लिए अटैक की स्थिति माना चाहिए, तभी हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। किस तरीके का अटैक, जैसे कि आपने कहा कि वो दो सर काटते हैं तो हमें 10 सर काटना चाहिए, किस तरीके का ये अटैक होना चाहिए? देखिए, ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं देंगे, पाकिस्तान जो है ना वो एक अलग किस्म का मुल्क है। हम केवल वहां शांति वार्ता करेंगे तो हम कायर कहलाएंगे, इसलिए शांति और क्रांति दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। अभी भी इस घटना के बाद भी जो मोदी सरकार है वो कह रही है कि हम बात करेंगे, हम शांतिपूर्वक बात करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि अभी भी ये जो समय है शांतिपूर्वक के लिए है या कुछ क्रांति करने के लिए? किस तरह की क्रांति होनी चाहिए? देखो, क्रांति पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। वहां जो आतंकवादी कैंप चले उन पर अटैक होना चाहिए। तो